अन्नपूर्णा के व्यंजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे टिंडे। टिंडे का नाम सुनते ही लोगों के मुंह बन जाते हैं, आपके घर में भी लोगों के मुंह बन जाते होंगे। पर टिंडे की सब्ज़ी इस तरह से आप बनाएंगी तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे घर के लोग। आधा किलो टिंडे लिए, आधा किलो टिंडे लीजिए, उनको छील लीजिए। बढ़िया तरीके से छीलने के बाद साफ पानी से फिर से धो लीजिए। उसके बाद कुकर में उबलने के लिए रख दीजिए। एक सीटी में ये टंडे उबल जाएंगे। उसके बाद एक प्याज की गांठ काट लीजिए, एक टमाटर काट लीजिए, एक दो हरी मिर्च काट लीजिए और ये सब जार में रखकर मिक्सी में ग्राइंड कर दीजिए। बढ़िया पेस्ट, बढ़िया ग्रेवी बन जाएगी। ये देखिए बहुत अच्छी ग्रेवी बन गई है। और इसमें थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाल दें और सारे मसाले, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच मिर्ची, एक चम्मच धनिया, सब कुछ इसमें डाल दें। इधर फ्राई पैन या कढ़ाई में एक चम्मच तेल डालकर गैस पर या इंडक्शन पर रख दें, उसे गर्म होने दें। उसके बाद थोड़ी सी हींग डाल दें, थोड़ा सा जीरा डाल दें, थोड़ी सी मोटी वाली सौंफ डाल दें, और मिक्सी में जो ग्रेवी तैयार की है, जो पेस्ट तैयार किया है मसाले का, उस मसाले के पेस्ट को फ्राई पैन में डाल दें और इसको चलाते रहें। चलाना बहुत ज़रूरी है, यदि आप चलाएंगे नहीं तो निश्चित रूप से लग जाएगा मसाला, आपका जल जाएगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए इसको लगातार चलाते रहिए, तब तक चलाइए जब तक गाढ़ापन ना आ जाए। देखिए ये चलाया जा रहा है, लगातार इसे चलाते रहिए। चलाने से तेल और मसाला मिक्सअप भी बहुत अच्छी तरह होता है और जलने तथा लगने का खतरा भी नहीं रहता है, इसलिए लगातार चलाते रहें। उसके बाद एक सवा चम्मच, छोटी चम्मच नमक डाल दें। उसके बाद जो टिंडे आपने उबाले हैं उनको बाहर निकालें। ध्यान रखें टिंडे गर्म हैं, सावधानी से चिमटे से निकालें, निकाल को उनको छुरी से, देखिए मसाला फ्राई हो रहा है, ये चमेटे से निकाला जा रहा है टिंडे के। चमेटे से निकालने के बाद फिर इससे छुरी से इसे काट के देखा जाए, ये देख लीजिए कि इसमें बीजे तो नहीं रह गए हैं। अगर किसी टिंडे में बीजे हैं तो थोड़ा सा इसको ठंडा होने दें और उसके बाद इसकी बीजे निकाल दें। यदि बीजे नहीं हैं तो चार पीस करके या छः पीस करके इसको ऐसे ही फ्राई किया जा सकता है, ऐसे ही बनाया जा सकता है। देखिए ये इसको काट के देखा जा रहा है। हमारे अन्नपूर्णा के व्यंजन चैनल पर आपको हर रोज़ भारतीय व्यंजनों, नए नए भारतीय व्यंजनों की जानकारी मिलती है। हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, इससे हमारा हौसला बढ़े। देखिए ये मसाला फ्राई हो रहा है। अब ये देखिए टिंडे को देखा जा रहा है कि इसमें बीजे किस किस में रह गए हैं। ये पेस्ट लगभग तैयार है। अब जिन टिंडों में बीजे रह गए हैं उनको बीजे निकाले जा रहे हैं और जो बिना बीजे के हैं उन्हें ऐसे ही डाला जा रहा है। टिंडे अक्सर पानी छोड़ते हैं, मसाला चूंकि सूखा हो चुका है तो ये टिंडे पानी छोड़ेंगे। अगर टिंडे पानी नहीं छोड़ते हैं तो
तो थोड़ा सा एक आधी कटोरी के आसपास, आधी कटोरी से भी कम पानी आप इसमें डाल सकते हैं, जिससे टिंडे जो ग्रेवी तैयार हुई है, जो पेस्ट तैयार हुआ है, उसमें आराम से मिल सकें। देखिए सारे टिंडे बीजे निकाल कर डाल दिए गए हैं, इनको मिलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है और ये टिंडे पानी नहीं छोड़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा काटा जा रहा है, पीस छोटे किए जा रहे हैं जिससे पानी निकल आए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन टिंडों ने पानी नहीं छोड़ा है, अलग से थोड़ा सा पानी इसमें मिलाना पड़ सकता है। देखिए ये लगातार चलाया जा रहा है, फ्लेम पूरा मीडियम रखना है पूरे समय। थोड़ा सा पानी डाल दिया गया है, पानी डालने से टिंडे इस ग्रेवी में, इस पेस्ट में आसानी से मिक्सअप हो जाते हैं। जब तक टिंडे मसाले में ठीक से मिक्स नहीं होंगे तो सब्जी का स्वाद ही नहीं आएगा। वैसे भी टिंडे का नाम सुनकर लोगों के मुंह बन जाते हैं, जबान पर कड़वाहट आ जाती है, इसलिए अच्छे से अच्छे बनाने का प्रयास करें। ये देखिए थोड़ी देर ढक के रख दें एक दो मिनट के लिए, लेकिन देखते रहें कहीं ऐसा ना हो कि सब्ज़ी आपकी जल जाए या नीचे लग जाए। ये देखिए ये लगभग तैयार हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गए हैं और बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट जायकेदार टिंडे हैं। इन्हें आप परोसेंगी, खिलाएंगी तो आपकी तारीफ़ होगी, उंगलियां चाटते रह जाएंगे घर के लोग। रेसिपी हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इससे हमें हौसला